Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 9th of exercise 6A, that is algebraic expression. Question number 9th is subtract 3a square b from minus 5a square b. तो फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट के केस में फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, फिर पहले वाली डिजिट लिखते हैं फ्रॉम से. तो ये आ गया माइनस फाइव ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी. आपस में ऐड हो गए, दोनों सेम साइन है और साइन बड़े वाले का. एट ए स्क्वायर बी इज द आंसर. Let's do question number 10th of exercise 6A, that is algebraic expression. Question number 10th is minus 8pq from, subtract minus 8pq from 6pq. So, from ki baad wali digit pehle likhi, subtraction ka sign lagaya, fir pehle wali digit likhi, 6pq. माइनस माइनस प्लस 8pq, तो ये कितना हो गया 14pq इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 11th इज सबट्रैक्ट माइनस 2abc फ्रॉम माइनस 8abc. क्या लिखेंगे, माइनस 8abc पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, फ्रॉम से पहले वाली डिजिट लिखेंगे. राइट फ्रेंड्स, तो ये आ गया माइनस 8abc माइनस माइनस प्लस 2abc. तो क्या आ गया, माइनस 6abc इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज algebraic expression. Question number 12th is subtract minus 16p from minus 11p. तो क्या करेंगे, पहले minus 11p लिखेंगे, subtraction का sign लगाएंगे, minus 16p लिखेंगे. तो ये क्या आ गया, minus 11p minus minus plus 16p. तो ये आ गया 5p is the answer. Let's do question number 13th of exercise 6A, that is algebraic expression. Question number 13 is subtract 2a minus 5b plus 2c minus 9 from 3a minus 4b minus c plus 6. तो फ्रॉम के पहले वाले बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे, 6a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, फिर पहले वाली डिजिट लिखेंगे 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये आ गया 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6. अंदर के सारे ब्रैकेट, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 5b माइनस प्लस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 9. तो ये क्या हो गया, 3a माइनस 2a माइनस 4b प्लस 5b माइनस c माइनस 2c प्लस 6 प्लस 9. 3 में से 2a गया a प्लस बी माइनस 3c प्लस 15 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 14th इज सब्ट्रैक्ट माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8. राइट फ्रेंड्स, तो ये माइनस 6p प्लस q, सॉरी पहले हम फ्रॉम के बाद वाले डिजिट लिखेंगे, p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 माइनस माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8. राइट फ्रेंड्स, अब
ब्रैकेट्स खोले, p माइनस टू क्यू माइनस फाइव आर माइनस एट, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस सिक्स पी माइनस क्यू माइनस थ्री आर माइनस एट, राइट फ्रेंड्स। तो p वाली टर्म एक साथ लिखी, p प्लस सिक्स पी माइनस टू क्यू माइनस क्यू माइनस फाइव आर माइनस थ्री आर माइनस एट माइनस एट, तो ये क्या हो गया, सेवन पी माइनस थ्री क्यू माइनस एट आर माइनस सिक्सटीन इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15th इज सब्ट्रैक्ट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फ्रॉम 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो ये आ गया 3x क्यूब, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 4 माइनस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, राइट फ्रेंड्स। तो थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर। नाउ अब 3x क्यूब में से एक x क्यूब गया, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, दोनों सेम साइन के थे, प्लस 7x माइनस 8 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16th इज सब्ट्रैक्ट 5y की पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 फ्रॉम 4y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रॉम की बात वाले डिजिट पहले लिखेंगे, 4y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस फाइव माइनस फाइव वाई की पावर फोर माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, राइट फ्रेंड्स। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फोर वाई की पावर फोर माइनस टू वाई क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस फाइव माइनस फाइव वाई की पावर फोर प्लस थ्री वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, फोर वाई की पावर फोर माइनस फाइव वाई की पावर फोर माइनस टू वाई की पावर क्यूब प्लस थ्री वाई की क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई प्लस फाइव प्लस वन, तो ये आ गया माइनस वाई की पावर फोर, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, प्लस वाई क्यूब माइनस एट वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17th ऑफ एक्सरसाइज 6A, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17th इज सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर प्लस 7 फ्रॉम 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे, 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4p स्क्वायर प्लस
5 q square minus 6 r square plus 7. 3p square minus 4q square minus 5r square minus 6 minus 4p square minus 5q square plus 6r square minus 7. Now p terms excite. 3p square minus 4p square minus 4q square minus 5q square minus 5r square plus 6r square minus 6 minus 7. Now 4 opposite sign is subtract ho jayega, minus p square minus 9q square phir aya plus r square minus 13 is the answer. Let's do question number 18th of exercise 6a, that is algebraic expression. Question number 18th is, what must be subtracted from? Let the number be a. A subtract kiya from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 to get ka matlab equal to 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1 se, right friends? To ab kya karenge, hum from ke baad wali digit pehle likhte hain. To kya hai, 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 minus a is equals to 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1. Right friends? Now ab hum kya karenge, is a ko idhar le jayenge aur ye puri digit idhar le aayenge. To 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 as it is raha minus, ye yahan puri digit plus ki hai to idhar aake minus ka ho. Minus 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1 equals to a. अब a equals to क्या बेटा, bracket खोल दिया हमने, तो 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1, sign change हो गए, minus 4a square plus 7ab plus 4b square minus 1. Now a ये भी a, तो 3a square minus 4a square minus 6ab plus 7ab minus 3b square plus 4b square minus 1 and minus 1. तो ये क्या आ गया, minus a square plus ab plus b square minus 2 is the answer. Let's do question number 19th of exercise 6a, that is algebraic expression. Question number 19th is, the two adjacent side of a rectangle. Friends, ye rectangle hota hai, iski two sides, ye wali and ye wali de rakhi hai hame. Ek de rakhi hai, maan lijiye, if length is 5x square minus 3y square and breadth de rakhi hai hame x square plus 2xy, right? To find the perimeter, perimeter ko formula kya hota hai rectangle ki, twice length plus breadth, right friends? To hum isko yahi nikalenge, 2 into length kitni de rakhi hai, 5x minus 3y square, sorry 5x square, ye bigger bracket lagaya aur ye small bracket, plus x square plus 2xy, right friends? Now bigger bracket, now 2 bracket khola, small brackets, so ye aa gaya 5x square minus 3y square plus x square plus 2xy, right friends? Now 2 into x square wale same hai, to ye aa gaya 6x square minus 3y square plus 2xy. अब now bigger bracket open करेंगे तो यहाँ क्या 12x square minus 6y square plus 4xy is the answer.
Let's do question number 20 of exercise 6A, that is algebraic expression. Question number 20 is the perimeter of a triangle is perimeter hume de rakha hai triangle ka 6p square minus 4p plus 9. If two sides, friends, ye maan lijiye triangle hai aur ye hamari sides hai A, B and C. A hume de rakhi hai p square minus 2p plus 1 and b दे रखी है हमें 3p square minus 5p plus 3 और हमें c की वैल्यू निकालनी. तो फ्रेंड्स पेरिमीटर का फॉर्मूला होता है a plus b plus c. अगर हम c निकालेंगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, ये दोनों प्लस के अंदर जाके माइनस के हो जाएंगे. तो p minus a minus b. तो अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? p क्या था हमारा, बिगर ब्रैकेट में 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, राइट फ्रेंड्स, और ये हमारा आ गया ब्रैकेट, राइट. नाउ b a क्या था, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और b क्या था 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, राइट फ्रेंड्स, प्लस 3. नाउ बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आ गया 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9. माइनस से बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, फिर साइन चेंज होंगे माइनस 3p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3. नाउ p स्क्वायर की वैल्यू एक साथ 6p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p प्लस 5p माइनस 9 माइनस 1 सॉरी प्लस 9 माइनस 1 माइनस 3. नाउ 6p माइनस 4p स्क्वायर, माइनस 4p प्लस 7p प्लस 9 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 2p स्क्वायर प्लस 3p, क्योंकि ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट हो गए और साइन बड़े वाले का लग गया, प्लस 5 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.